डेटा लिंक लेयर के फ्लो कंट्रोल में सबसे इजीएस्ट अगर कोई प्रोटोकॉल है तो वो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है। अगर हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं तो बहुत इफ़िशेंट है, जनरली नॉइजलेस चैनल के लिए कंसिडर किया जाता है। अब हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इसी स्टॉप एंड वेट को नॉइजी चैनल के लिए यूज़ करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा। नॉइजलेस चैनल में क्या है कि इफ़ देर इज़ नो नॉइज ऑन द चैनल, सो वहाँ दो तीन चीज़ें नहीं होनी है। क्या नहीं होना है? एक तो सबसे पहले कि आपने जो फ्रेम भेजी उसमें कोई एरर नहीं आनी है, सो द रिसीवर हैज़ नो प्रॉब्लम, इट हैज़ टू डिटेक्ट नो एरर, उसको डिटेक्ट होना ही नहीं है एरर क्योंकि चैनल पूरा नॉइजलेस है। सेकेंडली देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑन दैट चैनल कि आपकी फ्रेम जो है वो लॉस्ट होगी, बिकॉज नॉइजलेस है चैनल तो नेचुरल है कि वहाँ पे और कोई पैरामीटर्स नहीं है जो कि आपके फ्रेम को डिस्टर्ब करें, एंड द फ्रेम विल रीच एज इट इज़ बिकॉज वो आइडियल कंडीशन है। नाउ द थर्डली द सेम इज़ ट्रू विद द एक्नोलॉजमेंट, सो दिस इज़ वेरी इफ़िशियंट टाइप ऑफ टेक्निक फॉर द नॉइजलेस चैनल। बट यही डेटा लिंक लेयर की प्रोटोकॉल जब हमें एक नॉइजी चैनल के लिए यूज़ करना है, वेन we want to apply the same protocol for the noisy channel when there is a higher level of noise on the channel, so it is obvious that this noise, ye jo noise hai wo jaake kahin na kahin aapke frame ko affect karegi, it will introduce some errors, it may be possible that the frame may be damaged or it may be possible that it may damage the acknowledgement, so all the conditions are possible in case of the noisy channel. So to improve this stop and wait for the noisy channel, we here introduce ARQ, that is automatic request for repeat or automatic request repeat, for hata ke repeat bhi kaha sakta hai, ARQ, automatic request repeat. Now what does it mean? It means that कंसिडरिंग द नॉइजी चैनल, हम नॉइज के सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके मान रहे हैं कि एनी कंडीशन इज पॉसिबल लाइक वॉट वी हैव डिस्कस किया, तो फ्रेम लॉस हो सकती है, फ्रेम गारवल्ड मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकती है, एरर्ड हो सकती है, डैमेज हो सकती है, या फिर आपका एक्नोलॉजमेंट भी डैमेज या लॉस्ट हो सकता है। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स द ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट रिपीट मस्ट इंट्रोड्यूस सम थिंग्स अलॉन्ग विद द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड विच विल एनहांस द कैपेसिटी कि आप इसी स्टॉप एंड वेट को नॉइजी चैनल के लिए यूज़ कर सकें। एंड फॉर दैट वी रिक्वायर बेसिकली फोर डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट इज दैट एवरी टाइम जब भी कोई फ्रेम भेजी जाएगी, जब तक कि उसका एक्नोलॉजमेंट रिसीव नहीं आएगी या एक्नोलॉजमेंट आ नहीं जाएगा, तब तक उसका एक डुप्लीकेट फ्रेम या हम कह सकते हैं कि उसका एक कॉपी जो है, इट मस्ट बी सेव्ड विद द सेंडिंग एंड। हमें रखना है इस डुप्लीकेट फ्रेम की कॉपी इन केस इफ़ द एक्नोलॉजमेंट इज लॉस्ट और इफ़ द फ्रेम इज डैमेज और द फ्रेम इज एरर्ड। सो इन ऑल देयर केसेस दिस डुप्लीकेट फ्रेम कैन बी यूज। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, अंटिल अनलेस अ पॉजिटिव एक्नोलॉजमेंट इज नॉट रिसीव्ड और एक्नोलॉजमेंट इज नॉट रिसीव्ड, दिस डुप्लीकेट फ्रेम मस्ट बी कैप्ट विद द सेंडिंग एंड। Now the second thing which must be added or improved for giving an ARQ in stop and wait, it must also have the numbering. Pehle kya tha ki hum stop and wait simply we are sending the data, we are receiving the acknowledgement, we are not keeping the number. Here using the modulo 2 concept, hum yahan pe frame aur jo aapka acknowledgement hai un dono ko numbering kar rahe hain, sequence number de rahe hain. Sequence number kis tarike se de rahe hain? मान लेते हैं कि अगर सेंडिंग एंड से भेजा गया है डेटा ज़ीरो, तो अब एक्नोलॉजमेंट कैसा आएगा? एक्नोलॉजमेंट आएगा ACK1। ACK1 व्हाट इट इज़ इंडिकेटिंग? ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास डेटा नंबर ज़ीरो, मतलब डेटा फ्रेम ज़ीरो आ चुकी है, आई एम एक्सपेक्टिंग डेटा फ्रेम 1। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया इनकेस अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है और हमने कोई और पैरामीटर नहीं लगाए हैं, तो हो सकता है कि इस डेटा ज़ीरो के लिए एक्नोलॉजमेंट ज़ीरो आ जाए। अब एक्नोलॉजमेंट ज़ीरो क्या इंडिकेट करेगा? एक्नोलॉजमेंट ज़ीरो इंडिकेट करेगा कि बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, सो द सेंडर कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि मैं डेटा फ्रेम ज़ीरो भेज चुका हूँ, मुझे एक्नोलॉजमेंट 1 ही चाहिए, एक्नोलॉजमेंट 0 इज़ ऑफ नो यूज़। सो इन दिस केस, इस वाली सिचुएशन में द सेंडर हैज़ गॉट
the clear picture that something is went wrong on the channel, because the channel is already noisy. So in that case, it can just save that frame again and we'll wait for the acknowledgement further, क्योंकि उसे तो चाहिए acknowledgement one, और वो acknowledgement one का indicate करा है कि मैं data frame अभी zero भेज चुका हूँ, अब मुझे acknowledgement one चाहिए. So now these are the two things, sequencing of the frame and the duplicate frame वो जो sending end पे रखनी. Along with this, there is one more factor which is also introduced for the ARQ and which is known as NAK. This is a new thing which was not earlier for the noiseless channel. Noiseless channel में ये करने की आवश्यकता ही नहीं है because ideal situation है. NAK is a negative acknowledgement. ये एक negative acknowledgement है. Negative acknowledgement क्या indicate करेगा? In case, क्योंकि noisy channel है, बहुत बहुत ही possibility बहुत ज़्यादा है कि noise की वजह से error आ जाए. Error is a very common phenomena. कोई भी फ्रेम्स जो हैं उसमें मल्टीपल बिट्स जो हैं चेंज हो सकती है, 0 to 1 और 1 to 0, बस्ट एरर आ सकती है, सिंगल बिट एरर आ सकती है. एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द रिसीवर विल चेक फॉर द एरर. वहाँ पर उसके पास कोई ना कोई एल्गोरिथम ज़रूर होगा जिससे वो ये चेक करेगा कि एरर है, वेदर इट मे बी CRC और इट मे बी चेकसम. और अगर एरर करेक्शन की बात है तो सिंगल बिट एरर करेक्शन और मल्टीपल बिट डिटेक्शन तो हैमिंग कोड से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सो इन ऑल द केसेस the receiver has the algorithm to find out whether there is an error or not. It can find out the frame is damaged or not. If it is damaged, so at that time the receiver will generate an NAK, that is the negative acknowledgement. ye jo frame thi mere kisi kaam ki nahi, it is not at all considered as the received frame, main ise acknowledge nahi kar sakta, ye negative acknowledgement hai. And this negative acknowledgement will give an indication to the sender that I need to send the same frame what I have sent earlier. जो frame मैंने भेजी वही की वही मुझे फिर से दोबारा भेजनी. वहाँ पर आप देखें कि ये duplicate frame रखी जो थी, copy हमने रखी थी, वो काम आएगी, because the sender has to send the same duplicate frame of the previous frame what it has already sent. जो उसने पहले से भेजी हुई थी उसे वही frame फिर से भेजनी पड़ेगी, इसलिए वो duplicate frame वहाँ से choose करेगा और भेज देगा, just to ensure कि अब मुझे इसका positive acknowledgement मिल जाए, क्योंकि इसके पहले मुझे क्या मिला था, NAK मतलब negative acknowledgement मिला था. So there are these three new features which are added. At the same time, there is one more feature which is added and which is known as a timer function. Or timer जो है वो sending end पे लगाया जाएगा, sender पे timer लगाया जाएगा. And for what this timer is utilized? Because whenever भेजने के बाद the timer will automatically start. जैसे ही आपने frame send की, so the timer will start, and once the timer will start there is particular time वो calculate किया जाएगा कि कितना time इस frame को यहाँ से यहाँ भेजने में लगा और कितना acknowledgement कोने में लगेगा. For that particular time the timer will be set. Once the timer will be on, जैसे ही frame send कर दी, जैसे ही in between अगर मान लेते acknowledgement नहीं आता है या acknowledgement आने में देर हो रही है, तो टाइमर विल स्टॉप, मतलब ये एंड हो गया, एंड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन. एंड ऑफ द ट्रांसमिशन इट मीन्स टाइमर के आपने स्टॉप कर दिया है, टाइमर का टाइम खत्म हो चुका है. उसने कैलकुलेट कर रखा था कि इतना ट्रांसमिटिंग के लिए लगेगा, इतना रिसीव होने के लिए लगेगा, बट इन इस दौरान अगर एक्नोलॉजमेंट नहीं आता है, सो द टाइमर कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद इट विल रीसेंड द प्रीवियस फ्रेम, फिर से वही प्रीवियस फ्रेम भेज दी. ये कंसिडर किया जाएगा कि एक्नोलॉजमेंट नहीं मिला तो या तो एक्नोलॉजमेंट लॉस्ट है, या फिर ये भी कंसिडर किया जा सकता है कि फ्रेम ही हमारी जो है वो चैनल पे क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई. देर आर पॉसिबिलिटीज दैट द फ्रेम मे बी लॉस्ट ऑन द चैनल. सो देयर वी कैन यूटिलाइज दिस टाइमर फंक्शन. सो दिस ARQ, द स्टॉप एंड वेट विथ ARQ विल हैव दीज फीचर्स, स्पेशली दीज टू फीचर्स लाइक द NAK एंड टाइमर फंक्शंस, जिसकी वजह से ये जो है पूरे की पूरे जो आप एरर कंसिडरेशन है, एरर जो चैनल पे नॉइजी चैनल पे जनरली आने वाली है, उनको हैंडल करने के लिए ये दो फीचर स्पेशली डाले गए हैं. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट स्टॉप एंड वेट ARQ, दैट इज स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिपीट.